लानी है। ठीक, किसी ने एक सवाल किया, अ मैन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड एंड डू नॉट वॉन्ट टू टेक डाउरी बट हिज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम टू टेक वाइल ही रिफ्यूजेस। हिज पेरेंट्स आर प्लानिंग टू टेक डाउरी वॉट एवर मे बी सर्कमस्टांसेस, नो वन इज देयर टू एक्सप्लेन देम। क्वेश्चन इज हाउ शेल ही एक्सप्लेन हिज पेरेंट्स। सवाल ये है कि एक बच्चा शादी करना चाहता है बगैर जहेज के, और उसके वालदैन बोलते हैं कि जहेज लेना है। ऐसे मामले में वो बच्चा अपने वालदैन को कैसे एक्सप्लेन करे कि क्या करे। देखिए, चीज़ों को समझाने के कई तरीके होते हैं। इसमें सबसे रेडिकल तरीका ये समझाने का, वो बोले कि अभी शादी नहीं करता मैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है, वालदैन मान गए तो इसका क्या होगा वो नहीं मालूम। बट बोल सकता है मैं लेता ही नहीं हूँ, शादी नहीं करता, समझ रहे हैं। बट लेकिन हमारे पास ये है कि ना नौजवान उतने सीरियस है अपने अमल में, ना वालदैन उनके उतने सीरियस है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, जिसके नतीजे में हो ये रहा है कि दोनों अपनी मनमानी करके ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और शादी ब्याह तो ऐसा मौका है कि अपनी ज़ात बिरादरी, रस्म व रिवाज, ख़ानदानी तौर तरीक़े बताने का हम एक समझते ना, वो समझते इसको एक जिसको कहेंगे ना बुलंदी, चोटी, पैनाकल बोलते ना, कि बस यहाँ बता सकते मैं कौन हूँ, तो बस बता दो जो करना है इसमें। मतलब ज़िंदगी तो फ़कीरों से गुजर रही है, लेकिन शादी में बताना है कि बादशाहों की ज़िंदगी जीते हैं, तो यही बस एक मौका है। तो वो सब कुछ अपना लगा देते हैं, जिसके नतीजे में लेना देना भी मामला बहुत हो चुका है। अब बच्चा नहीं कर सकता तो लेकर करो, मतलब सामने लड़की वालों से, और जहेज जैसी लानत। बहरहाल इसकी कई वजूहत है, मैंने इस पर पूरा लेक्चर लिया जिसने 35 मैंने वजूहत दी, या 35 ऐसे गुनाह बताए जो सिर्फ जहेज लेने की वजह से और देने की वजह से होते हैं। जहेज और उसकी लानत बोल के आप ज़रूर सुने। बहरहाल उतना मौका तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो वालदैन को एक्सप्लेन करें और समझाए, जो भी मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं कि भाई रिवाज है तो वो रिवाज समझाए कि ये सुन्नत में साबित नहीं है, तो ऐसे रिवाज को हम नहीं मान सकते भाई, ये तरीक़ा है तो ये तरीक़ा गलत है। नहीं, हमने भी तो दिया अपनी बेटी को, तो बोलिए आपने दिया, आप मजबूर थे, लेकिन आप दूसरों की बेटी को क्यों मजबूर कर रहे हो। रीजंस एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से बातचीत करें, याद रखें। ठीक, इसलिए मैंने कहा सबसे एकदम हटकर तरीका ये कि अभी मैं शादी नहीं करता, तो खुद बोलता रहे ऐसा क्यों नहीं, क्या करना पड़ेगा, अब तो जबान दे दिए तो फिर तरीका तो ये हो। तो बहरहाल बहुत सारी तरीक़ों से समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ ये एक ऐसा मसला हो जाता है, कई कई जगह मैंने देखा, चल शादी मत करो कोई मसला नहीं, लेकिन जहेज तो लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के नज़दीक जहेज लेना सुन्नत भी है, अगर वो ऐसा मानते भी, जबकि गलत है, अगर मानते भी है, ठीक, तो एक सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है जिस लेवल तक लिया जा रहा है, अगर मानते भी, जबकि वो गलत है। जहेज़ फ़ातिमी बोलते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया था, तो जहेज़ फ़ातिमी की क्या हकीकत है, मेरा उस पर भी लेक्चर है, आप नेट पे डालिए जहेज़ फ़ातिमी की हकीकत, रियलिटी ऑफ जहेज़ फ़ातिमा, आपको मिल जाएंगे। वो भी क्या था, वो जहेज़ नहीं था किसी का, वो जहेज़ नहीं था, वो एक वालिद जो लड़की का वालिद है और लड़के का जिम्मेदार और कफ़ील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के भी जिम्मेदार थे, हज़रत फ़ातिमा के वालिद थे। अब एक ही आदमी को दोनों को संभालना है, बेटी को भी और दामाद को भी। हज़रत अली दामाद होने वाले थे लेकिन किफालत में थे, जैसा अल्लाह के रसूल इनके वालिद की किफालत में थे, पहले मदीना आने के बाद हज़रत अली इनकी किफालत में रहते थे, मतलब आप कफील थे, आपसे पूछते थे, आप गार्डियन थे उनके, समझिए आप। तो अब उस जिम्मेदार को दो काम करना है, बेटी को बिहाना भी है और अपने चचेरे जो है भाई की मदद भी करना है जो दामाद भी बन रहा है, तो वो तो एक ही आदमी दोनों के लिए कर रहा है, समझ रहे आप बात को, तो समझने की जरूरत है। तो बहरहाल अपने वालदैन को समझाएं, एक्सप्लेन करे, गुजारिश करे, कॉन्सिक्वेंसेस समझाए, मेरा लेक्चर बताए जिसमें मैंने 35 कबायर जो होते हैं इसके वजह से, और जो शर, फितना, फसाद, खून, खत्ल, गारतगिरी और जो जो मसाइल हो रहे हैं मैंने सब बताए। कोशिश करें, बहरहाल समझाने की कोशिश करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को तौफीक दे कि हर उस अमल से बचे जो बहरहाल सुन्नत से या शरीयत से साबित ना। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।